एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था वैसे हम करेंगे सेकंड पार्ट सॉल्व। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे और इन क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। जो हमें दो इक्वेशन गिवन दी गई उन्हें हमने मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। अब हमें पता है जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू तो हम किसी भी एक्स और वाई दोनों में से किसी के भी मल्टीपल को करते हैं सेम। तो एक्स के मल्टीपल यहाँ ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 3 है और सेकंड में क्वेश्चन में क्या है एक्स का मल्टीपल 2। अब हम जब इन दोनों को सेम करना चाहेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट क्वेश्चन को 2 से और सेकंड क्वेश्चन को 3 से, तभी 6 आएगा सेम। एंड तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना है y का मल्टीपल भी देखना है। y का मल्टीपल क्या है, एक है 4 एक है 2। हाँ मैं 2 को 4 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या करूँगा अब y के मल्टीपल सेम करूँगा। इसे अब हम लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आके आ जाएगा 4x-4y=4। तो इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे ऐड। अब आपके दिमाग में होगा लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, उसे हमने किया था सब्ट्रैक्ट। तो जब साइन होंगे सेम, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उस समय हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। बट जब साइन होंगे डिफरेंट तो हम करेंगे एडिंग। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो साइन क्या है, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर क्या है प्लस का। तो दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है, तो इसमें हम करेंगे एडिंग। जब हम एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या थी 3x+4y=10 ये वाली। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये वाली, ये 4x-4y=4। साइन हमने करने नहीं चेंज क्योंकि हमने क्या किया है एडिंग। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x, यहाँ पर आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसे हम करेंगे पुट इन 1, फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3x+4y=10। यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3×2 4y=10, 6+4y=10, 4y=10-6, 4y=4, y=4/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई 1। तो यही हमने निकालना था। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हमने माना है 1 एंड सेकंड क्वेश्चन को माना है हमने सेकंड। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन 1 3x=10-4y, x=10-4y/3। इसे हम करेंगे पुट इन सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 2×10-4y/3-2y=2। तो इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2×10-4y/3-2y=2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाए 20-8y/3-2y=2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 20-8y-2×3y, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इधर होगा तो इधर क्या हो जाएगा 3×2। तो 20-8y-6y=6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -14y, तो ये चला जाएगा उस साइड। 6-20, यहाँ पर आ गया -14y=-14, तो कट जाएगा। y=2 क्या आ जाएगा 14/14 कट जाएगा। y=2 क्या आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। तो जैसे हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था वैल्यू, अब सेकंड मेथड में दोनों की वैल्यू क्या है सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन क्या है सही है।